मनुष्य यहाँ बना हुआ है, ये बन रही भैरवनाथ की 100 फीट की प्रतिमा। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री शंभु। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हुए हैं रामनाथ चौधरी लॉन में, जहाँ की चल रही है परम पूज्य संत विजय जी महाराज के मुख से सुंदर कथा। 9 नवंबर से 16 नवंबर तक कथा चल रही है और यहाँ पे पूरी व्यवस्था कितनी बढ़िया हुई है। रोज़ एक न एक कोई ना कोई बढ़िया सेलिब्रिटी आ रहे हैं। पूरी सेलिब्रिटी के देखिए वहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। मैं पूरा अभी आपको लोकेशन भी दिखाऊंगी। और लोकेशन क्या है समझ लीजिए, बेचू से सीधे आना है, बेचू लगा सीधे आपको आना है, कहीं नहीं मुड़ना है। सुंदरपुर स्थित ये लॉन बना हुआ है, रामनाथ चौधरी लॉन, आपको यहीं पर आना है और कथा सुननी है। सुबह 10 बजे से कथा स्टार्ट हो गई है और अंदर क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी आप लोगों को, तो आइए पूरा व्यवस्था दिखाते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, लंका बेचू में, बेचू से आपको आना है, कहीं भी नहीं मुड़ना है। सुंदरपुर ये जगह है जहां अभी हम खड़े हैं और यहीं पर ये हो रही है कथा परम पूज्य विजय वसंत जी महाराज के मुख से। और यहां सबसे बड़ी जो हाईलाइट वाली बात है वो ये है कि यहां पर 100 फीट की भैरव जी की प्रतिमा का निर्माण हुआ है। निर्माण कहाँ से कहाँ तक हुआ है, पूरी व्यवस्था कैसी क्या है, पूरा आपको दिखाएंगे हम। तो यहाँ आप देख सकते कितनी सुंदर डेकोरेशन हुई है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, एक बात मुझे आपको और भी ये कहनी है कि जैसे बागेश्वर धाम हमारे काशी नगरी में आए, उनके आने के साथ ही आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई अलग अलग महाराज यहाँ आ रहे हैं। पहले बागेश्वर धाम आए, फिर प्रदीप मिश्रा आए और अब आए परम पूज्य वसंत जी। कितनी भाग्य हमारे कितने अच्छे हैं कि हमारी काशी की नगरी में इतने अच्छे अच्छे गुरुजन यहाँ आ रहे हैं और अपना आशीर्वाद हमें दे रहे हैं। हमारे तो भाग्य ही खुल गए हैं। कुछ कहना है क्या आपको, आइए हमारे साथ। पूरे 8 दिन तक ये प्रोग्राम होने वाला है। बड़े बड़े सिंगर और कॉमेडियन तक को बुलाया गया यहाँ पर और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम होने वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परम पूज्य वसंत जी की इतनी सारी अलग अलग मुद्राओं में यहाँ फोटोज़ लगी हुई है, जहाँ जहाँ कथा वो करने गए थे अलग अलग मुद्राओं में, और कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो पास के लिए यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं, जिन लोगों ने पास लिया हुआ है उनके लिए वो पास से वो क्या कर सकते हैं, आइए बताते हैं आप सबको। आपके पास है, पास हमें कैसे मिलेगी, 1000 रुपये का पास है ये। अच्छा, ये जिसको पास चाहिए, पास क्या व्यवस्था है, पास 8 दिन रहना, खाना पीना 3 टाइम का नाश्ता, दोनों टाइम खाना। अच्छा, हाँ, से पास बंदा सबके निःशुल्क है और जो पास लेगा उसको 3 टाइम का भोजन मिलेगा। तो ये 1000 रुपये का पास है, आप ले सकते हैं। ये पास दिखाया सर ने हम लोगों को, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आगे दिखा दो, हाँ आगे दिखा दो जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे, पकौड़ी लड्डू, खा के बताएं। अच्छा, खा के बताएं, कोई मरते हुए दीजिए, ऐसे कैसे खाएं, ऐसे खाओ ना तब पता लगेगा, फोटो खींचो, बहुत स्वादिष्ट है, खाते हुए फोटो खींचो, खाते हुए बहुत स्वादिष्ट है। ओके, तो ये देखिए ये मिली है हमें पकौड़ियाँ। प्रसाद तो प्रसाद होता है, प्रसाद तो हर हाल में अच्छा ही लगता है, वाकई बहुत अच्छा है, अभी मज़ा ही आ गया। ये लड्डू मिले हम लोग को, बेसन के लड्डू, पहले खाते बात करते हैं आपसे, बहुत ही प्रेम से बैठा खिलाए, खिला दिए, नहीं नहीं खिला खिलाए सर, खिला दिए उनको भी, उनको भी खिला दिए, तुम खाए हो ना, हाँ देखिए खाए हैं, अभी और खा लेंगे, चिंता मत करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पकौड़ी और बेसन की सेव, पूड़ी, सब्जी सब कुछ मिल रहा है, वो भी एकदम निःशुल्क मिल रहा है। और ये पूरे 8 दिन की जो कथा होने वाली है बहुत ही बढ़िया है, खाने पीने का इंतज़ाम भी पूरा पूरा है आपको, और 3 दिन में पूरा बता ही दिया आप सबको। यहाँ ऐसे आराम से बैठ के पूरी सुविधा बनी हुई है, आराम से बैठ के लोग खा रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, चलिए आपको और दिखाता है क्या क्या व्यवस्था है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और सुविधाजनक बना हुआ है यहाँ पूरा पंडाल, पूरी व्यवस्था की गई है, वॉशरूम तक यहाँ पर बना हुआ है, आपको कहीं नहीं जाना है, खाने पीने की सुविधा भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखते कितनी सुंदर रंगोली बनाई गई है, कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है, ये देख सकते हैं। यहाँ भगवान विश्वनाथ जी है, भगवान बिना साक्षात विराजमान है, कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए यहाँ पे भगवान काल भैरव भी हमारे हैं,
बाबा काय ठहरे हो वहाँ, नंदी बाबा कैसे नहीं होंगे, तो देखो कितने नंदी बाबा के विराजमान यहाँ पर है, बाबा काल ठहरे हुए हैं। आप कहाँ से आते हैं? श्री भैरव देवी में दरबार लगा हुआ है भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में, आइए अपनी कथा सुनाएंगे। सनातन धर्म हमारा जो कहीं धीरे लुप्त होता जा रहा था बाबा जी लोग के आ जाने की वजह से, ये अब फिर से वापस आ रहा है, फिर से हमारी काशी बन चुकी है। आप सभी दर्शन कर लीजिए यहाँ पे भैरव बाबा की, और आठ स्वरूप में यहाँ पे भैरव बाबा को दर्शाया गया है, तो एक साथ आप आठों भगवान की आठ स्वरूप भैरव बाबा के दर्शन कर सकते हैं इस पंडाल के अंदर एक साथ। तो यहाँ देखिए दर्शन कर रहे हैं आप भैरव बाबा के, और अभी भैरव अष्टमी के दिन महायज्ञ और महापूजा होने वाली है। जी आप ये क्या कर रहे हैं? भैरव बाबा के अभी जो पूजा करेंगे ना, दीपदान करेंगे ना, तो उसको बत्ती बना रहे हैं। हाँ सभी लोग बत्ती बना रहे हैं। हाँ सभी बत्ती बना रहे हैं। कितनी बत्तियाँ बन रही हैं? कम से कम 1,00,000 से ऊपर कुछ बन रही है बत्तियाँ। 1,08,000 की बत्ती बन रही है। 1,08,000 की बत्तियाँ बन रही है। 16 तारीख को जलेगा, तो यानी कि अष्टमी के दिन भैरव अष्टमी दिन 16,00,000 के दिए जलेंगे, 16,00,000 बत्तियां बनाई जाए। देखिए सभी लोग यहाँ पर बत्तियां बना रहे हैं, सभी लोग पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। और यहाँ एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग यहाँ पर पूरी पंडाल बनाए गए हैं, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आराम से बैठ के कथा आप सुन सकते हैं, कोई धक्का मुक्की बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और शाम होते होते तो और भी यहाँ की जो कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ जो होता है वो बढ़ता जाता है। पिक्चरों में मनोरंजन खेल कूद में आप पहले एक टारगेट निश्चित करो कि ये चीज प्राप्त हो, जब तक दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। टारगेट ओरिएंटेड लाइफ, लक्ष्य निर्धारित जीवन जीना पहले सीखो कि मेरा लक्ष्य ये है, वो पूरा नहीं हो जब तक दूसरा काम नहीं करूंगा। अगर ये लक्ष्य निर्धारित जीवन जियोगे तो आपका तड़प कुएं को भी आपके पास खींच के लाएगा और लाके ही रहेगा। ध्यान रखना, मेरे में बहुत इच्छा भरा नहीं, ये बन जाओ वो बन जाओ, लेकिन बन नहीं पा रहा हूं। अरे बन जाओ इच्छा करने से थोड़ी होता है। कल सुना ना, जैसे वो पानी में घुस के जो श्वास के लिए तड़पा, वो तड़प आप में आएगा तब इच्छित वस्तु आपको मिलेगी। तू चाहेगी कि एक रोटी खाए, तू चाहेगी बता मुझे पहले। अब होटल में हमने दो पराठा ऑर्डर दिया महाराज, कटोरी भर के वो सब्जी लाके रखा साथ में। अब वो चाहेगा कि आप चार कटोरी सब्जी खा लो, क्या चाहेगा? कम से कम खाओ चटनी वगैरह, ताकि उसको बचत हो, क्योंकि वो सब फ्री में साथ में देना पड़ता है। आपने ऑर्डर दे दिया डोसा, चटनी का अलग पैसा लगता है क्या, सांभार का अलग पैसा लगता है क्या? फिर वो तो यही सोचेगा कि कम खाओ। जिसके पास जाते ही वो सोचे कम खाओ, अपनी भावना से आपके पेट को बांधता हो, उस जगह खाने से आपका आरोग्य कैसे प्रकट हो सकता है? किसी ने सही कहा है कि पंडाल में कथा भगवान खुद आकर सुनते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना जो सुंदर कथा कह रहे हैं हमारे बसंत जी गुरु महाराज। और महिलाएं ने रेड साड़ी पहनी हुई है और जेंट्स ने पहने व्हाइट कपड़े, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है मुझे सब कुछ देख करके। ले जाए हम कहाँ जाए, आशीर्वाद लेके घर जाए, आशीर्वाद चलो घर चलो तो वह आपके लिए अच्छा आदमी बन जाएगा। अपने आप रहे बोले वचन सिद्ध गुरुदेव की। अपने पत्नियों को जरूर खिलाना, उस दिन से बोला जो बात वो सुनने लगेगी, पहली बार सुनेगी आपकी बात। ये 101,08,000 बातें जलने वाली है, दिए की बातें जलने वाली है, तो कोई तैयारी यहाँ पर जोर शोर से हो रही है। यहाँ देखिए यहाँ पर बातें तैयार की जा रही है, यहाँ महिलाएं नाच रही है, गा रही है और बातें तैयार कर रही है। बुधवार को 16 नवंबर को बहुत जबरदस्त तैयारी की जा रही है, तैयारी कितनी बढ़िया यहाँ पे की जा रही है। तो आइए आपको आगे और दिखाते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,00,000 मिट्टी के शिवलिंग बने हुए हैं और ये शंखनाद बने हुए हैं। ये शंखनाद इनको चाहिए, 2,000 रुपये इसका मूल्य है और ये लक्ष्मी जी की प्रतिमा का स्वरूप है। तो आप ये शंखनाद परचेस कर सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और लगभग 1 हफ्ते तक का यहाँ पर आपको खाना पीना रहना मिलेगा। तो 1,08,000 जलने वाले दिए भैरव अष्टमी के दिन और यहाँ आप देख सकते हैं उतने ही यहाँ पर शिवलिंग बनाए गए हैं। तो अगर आप सबको किसी को यहाँ से ये शंख वगैरह परचेस करना है, 2,000 रुपये की धनराशि देकर ये शंखनाद आप ले सकते हैं और अपने जीवन को आप भी धन्य बना सकते हैं। और यहाँ तैयारी चल रही है बुधवार के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी पे भगवान भैरव के चित्र बनाए गए हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कितनी भव्य तैयारी होने वाली है बुधवार की। चर्चा का विषय यहाँ बना हुआ है, ये बन रही है भैरवनाथ की 100 फीट की प्रतिमा, ये बुधवार तक बन के बिल्कुल तैयार चुकी हो जाएगी। एक बार बन भी चुकी है, थोड़ी सी ये मतलब रिपेयरिंग में टूट टाट गई है, कोई बात नहीं, मरम्मत वाला काम भी चल रहा है, फिर से ये बन रही है और एकदम बढ़िया देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर जुट गए हैं काम में और ये बन रही है। कितनी बढ़िया तैयारी यहाँ पर चल रही है। बुधवार को 16 नवंबर को यहाँ पे आना आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। यहाँ पर भैरव अष्टमी का पूरा पूजा होने वाला है, 56 प्रकार के भोग लगने वाले हैं। जैसे जितने भी मंदिर यहाँ पे, काल भैरव मंदिर है, बटुक भैरव मंदिर है, जितने भी भैरव के मंदिर वहाँ यहाँ पर है, भैरव अष्टमी धूमधाम से इधर मनाई जाने वाली है। तो 100 फीट की प्रतिमा लाना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ ये कलकत्ता से बनकर के आई हुई थी पर वहाँ से यहाँ लाने में ये टूट गई है, फिर भी कोई बात नहीं, लोग लगे हुए हैं इसको फिर से रिपेयरिंग कर रहे हैं, खड़ा करने की कोशिश करेंगे फिर से एक बार। और बुधवार की शाम को आप आना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा सब कुछ आयोजन हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं यज्ञ की व्यवस्था भी की गई है, हवन कुंड यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भैरव अष्टमी के दिन तो विशेष हवन होने वाला है, तो वो मौका आप मिस नहीं करिएगा। जैसे कि हमारे वाराणसी में 8 भैरव बाबा हैं, वैसे ही यहाँ 8 भैरव प्रतिमा को स्थापना की गई है। तो देख सकते हैं कितना सुंदर ये हवन कुंड लग रहा है और अभी तो गुरु जी कथा कर रहे, कथा करने के बाद जब वो आएंगे तो यहाँ पर वो अपनी हवन वगैरह भी करेंगे। हो रहा है जी। 8 सब कुंड है और 1 मेन कुंड है और ये 8 दिवस के लिए होगा जी। और रोज नई नई आहुति होती है और घी होता है, बादाम, काजू, मखना, रेजेंस बोलते हैं मतलब किशमिश, तेल काला और बहुत सारी अनेकों प्रकार की चीज़ें उसमें होमी जाती है और लास्ट में सभी 8ों कुंडों में एक एक पूर्णाहुति और मेन कुंड में पूर्णाहुति होती है और इसी प्रकार हवन समाप्त होता है। अभी आहुति होने वाली, तो ये कब होगी? ये अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, पहले गणेश जी का होगा, फिर दूसरे देवों का होगा और लास्ट में भैरव जी का होगा। ये गुरु जी ही करेंगे? नहीं, ये साउथ के नटराज मंदिर के मेन जो हेड है ना वो करेंगे। अच्छा, साउथ के नटराज मंदिर के जो गुरुजी वो करेंगे? हाँ, वही करेंगे। और जो अष्टमी की पूजा होने वाली है बुधवार को, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसके लिए यही सेम है, हवन और वो सब। अच्छा। फिर लास्ट में ये जो कलश में जो स्थापित है उनमें जो हमारे गुरुदेव है उनके ऊपर इनका अभिषेक होगा, मतलब उनके अंदर जो गंगा जल है, जो पानी है, जो सारी शक्ति है वो हमारे गुरुदेव के ऊपर अभिषेक होगा। हाँ, और पूरे काशीवासी के लिए यहाँ पे भंडारा भी लगाया गया है, तो हमने भी ग्रहण किया। हाँ, तो वो भी ग्रहण करने के लिए आप जरूर आइएगा और आपके दोस्तों को भी लाइए। जी सर, बिल्कुल, धन्यवाद आपको। तो फ्रेंड्स मुझे एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये लगी कि ये 1,000 रुपये का आपको पास मिलेगा, 8 दिन आपको यहाँ रहना है, खाना है और इसके साथ आपको एक श्रीयंत्र मिलेगा
उस श्रीदंत को आप घर में रखिए। उस घर में रखने से घर में कितनी ज़्यादा सुख समृद्धि होगी ये तो मैं बता ही नहीं सकती आप सबको। आप गुरु जी का मंत्र पढ़िए, गुरु जी की वाणी सुनिए, तो आपके जीवन की जितनी भी कमियाँ हैं वो दूर हो जाने वाली हैं। और मुझे एक बात आप लोगों से और कहनी है, जब से बागेश्वर बाबा आए हैं तब से यहाँ हमारे हिंदू धर्म को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, भैरव अष्टमी की पूजा इतनी धूमधाम से होने वाली है। तो मैंने बताया ना आप लोगों से कि यहाँ बहुत बड़े सेलिब्रिटी आने वाले हैं, तो आज शाम की सुबह बढ़ाने वाले हैं हंस राज हंस। आवाज़ सुनकर उनके जो फैंस थे वो तो खुशी के मारे एकदम पागल से हो गए थे। इतनी पॉपुलैरिटी है संत की कि मैं क्या बताऊँ। और जितने रियल ये दिखते हैं उतनी ही रियल इनकी आवाज़ भी है, बहुत ही मधुर आवाज़ इनकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि लाइन से सभी सेलिब्रिटी आने वाले हैं। अभिषेक पांडे भी आई थी, हंसराज भी आ चुके हैं, मतलब ठाकुर भी आने वाली है। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। जो लोग अभी तक कथा में नहीं पहुँच पाए, दो दिन का टाइम और बचा है, वो लोग कथा में आए और कथा का पूरा आनंद लें।